ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बारे में। जब लेंसेज क्या होंगे, जब लेंसेज बहुत पास पास थे, चिपके हुए थे, तो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ डिस्कस करी थी बेटा। वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट है वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू प्लस वन बाय एफ थ्री। अब मान लो दो लेंस हैं और ये दोनों लेंस चिपके नहीं हुए आपस में, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, मान लो डी। कितना सेपरेशन है बेटा इन दोनों लेंस के बीच में, मान लो डी। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो पावर इक्विवेलेंट बोलते हैं हम। इसके दो केस मान लेते हैं, केस वन, ठीक है ना, ये एयर है, पीछे भी एयर है बेटा और इधर भी एयर है ना, तो इसकी पावर बोलते हैं हम पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू माइनस डी पी वन पी टू इसकी पावर बोलते हैं हम। तो यानी वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट क्या आएगा, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी एफ वन एफ टू। ठीक है बेटा, अगर मान लो बीच में एयर मीडियम भर दें, क्या भर दें बीच में, मीडियम, केस टू। ठीक है, केस टू मान लो एक लेंस दे रखा है आपको और एक और लेंस दे रखा है बेटा आपको, और इन दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है, मान लो डी है, लेकिन इसमें क्या भर दिया मैंने बेटा, मीडियम भर दिया। क्या भर दिया बीच में, मीडियम एन का, इधर भी एयर है इधर भी एयर है बेटा। ठीक है, तो अब पावर इक्विवेलेंट क्या होती है बेटा, अब पावर इक्विवेलेंट होती है पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू अपॉन एन। ठीक है, तो यानी एफ इक्विवेलेंट क्या होगा, वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट होगा वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी एफ वन एफ टू इंटू एन। ठीक है बेटा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिकल मेंस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है ना। आई टी ऐसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछता इनके ऊपर, ठीक है। और भी वेरिएशंस हो सकती हैं, इधर मीडियम भर दे इधर, तो हमें जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना पहले। इस पर इससे हम इमेज बनाएंगे, फिर जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले की तरह, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। फिर उससे हम फाइनल इमेज निकालेंगे, और वही उसी मेथड से इनको प्रूव भी किया गया है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।